पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने। जहां विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनी तो वहीं अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के लिए आदेश भी दिए। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि महम के लोग हमेशा संघर्ष के लिए पहचाने जाते हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि मनोहर सरकार ने महम समेत पूरे हरियाणा का विकास किया है, वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है, साथ ही घोटाला कर अपनी जेब भरने का काम किया है। देखिए, हमारे बिजली विभाग में पहले हमारी कंपनी जो पूरे देश में 41 कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी जो है, जो पावर आगे बांटती है, उनमें जो अच्छा परफॉर्म करती है उनमें हम 15वें सबसे पहले थे। आज के दिन हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। गुजरात की 4 कंपनी है, अकेली 1 नंबर पे है, उसके बाद हम नंबर 2 पे मारते हैं। गुजरात के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस है हमारे यहाँ। इस वक्त 5592 गाँव में 24 घंटे बिजली, 6304 गाँव सारे हैं जहाँ 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और हमारा लाइन लो जो था कांग्रेस के वक्त 31% था और आज के दिन 14% है। मतलब हम 17% कम, जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता है। तो कांग्रेस तब 3700 करोड़ घाटे में बस बिजली का महकमा जा रहा था, आज 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट।